हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.5 क्लास 9 इसके जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4th, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबॉइडल टैंक है स्टूडेंट जिसकी कैपेसिटी है 50,000 लीटर ऑफ वाटर। उसमें इतने लीटर वाटर जो है उसको हम होल्ड कर सकते हैं। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक इफ़ द लेंथ एंड डेप्थ रेस्पेक्टिवली इज 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। यहाँ पर स्टूडेंट लेंथ एंड डेप्थ, डेप्थ मीन्स हाइट यहाँ पर गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ब्रीथ को फाइंड करना है। वो जो टैंक है स्टूडेंट, उस टैंक की हमें ब्रीथ को फाइंड करना है। स्टूडेंट जो टैंक है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, then form of cuboidal, okay? So first question number 5, volume of tank equal to 50,000 liter। 50,000 को अगर आप divided by 1000 करते हैं student, then 50 meter cube, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ओके। सो एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 50। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल टू 50, ये वॉल्यूम है स्टूडेंट। लेंथ इज गिवन 2.5 मीटर, ब्रीथ फाइंड करनी है एंड हाइट है 10 मीटर इक्वल टू 50। सो 2.5 मल्टीप्लाई 10 स्टूडेंट 25, 25 बी इक्वल टू 50, देन बी 50 अपॉन 2 इक्वल टू 2। सो ब्रीथ ऑफ द टैंक, ब्रीथ ऑफ द टैंक इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने इस टैंक की जो कैपेसिटी थी, सबसे पहले हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 1000 से हमने डिवाइड किया उसको, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, और उसके बाद हमने वैल्यू पुट करने पर जो हमारे पास वैल्यू नहीं थी, मिसिंग वैल्यू थी ब्रीथ ऑफ द टैंक, उसको हमने फाइंड कर लिया है 2 मीटर। क्लियर नाउ? सो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है स्टूडेंट्स, 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है, फ्लोइंग कर रही है, रेट है 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में उस रिवर में स्टूडेंट जो वाटर है वो फ्लो करता है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, मीन्स ये लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट। हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना वाटर सी में फॉल होगा, हमें 1 मिनट में फाइंड करना है स्टूडेंट यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ वाटर है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लें, मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो मीटर पर मिनट में देखिए करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू
टू मल्टीप्लाई थाउजेंड, वन किलोमीटर इक्वल टू थाउजेंड मीटर। तो हमने थाउजेंड से यहाँ मल्टीप्लाई किया, मीटर हो गया। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड किया स्टूडेंट, जीरो से जीरो को डिवाइड किया, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, हंड्रेड अपॉन थ्री मीटर पर मिनट। स्टूडेंट ये स्पीड ऑफ वाटर है मीटर पर मिनट, हंड्रेड अपॉन थ्री मीन्स वन मिनट में जो वाटर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हंड्रेड अपॉन थ्री मीटर। ओके, एंड ब्रीथ इज 40 मीटर। सो लेंथ स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कितनी हो गई है, लेंथ ऑफ रिवर लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन वन मिनट इक्वल टू हंड्रेड अपॉन थ्री मीटर। ओके, एंड ब्रीथ ऑफ द रिवर विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स स्टूडेंट बी इक्वल टू 40 मीटर, एंड डेप्थ डी ई पी टी एच डेप्थ ऑफ द वाटर हाइट, स्टूडेंट डेप्थ ऑफ द वाटर मीन्स हाइट इक्वल टू 3 मीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स वी गेट द लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन वन मिनट इज 100 अपॉन 3 मीटर मीन्स लेंथ, एंड विड्थ ऑफ द रिवर बी 40 मीटर, डेप्थ ऑफ द रिवर 3 मीटर। सो वी गेट द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास थ्री डायमेंशंस हैं, लेंथ भी है, ब्रीथ भी है एंड हाइट भी है। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड करना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग सी इन वन मिनट, वन मिनट में कितना वाटर जो है वो फ्लो होगा, उसको हमें उस वॉल्यूम को हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट इसको हम इरेज कर देते हैं, अंडरस्टैंड इट, आपको इतना समझ में आ रहा है? ओके, सो दस रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ इज 100 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट, अभी हमने फाइंड किया था मीटर पर मिनट में, यहाँ पर 100 अपॉन 3, ब्रीथ 40 एंड हाइट 3। सो अब इसको हम कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, और कैलकुलेशन करने पर हमें वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, जो वॉल्यूम उस रिवर में वन मिनट में फ्लो होगा। ओके, वन मिनट में फ्लो हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, थ्री वन जा थ्री। ओके, डिवाइड हो गया, 100 को आप 40 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन कितना मिलेगा स्टूडेंट आपको, 100 को आप देखिए 4 वन जा 4, 2 0 एंड 1 0, 3 0 आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो 4000 मीटर क्यूब, क्लियर। दस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एल इंटू बी इंटू एच, 100 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 देन 4000 मीटर क्यूब। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि उस रिवर में वन मिनट में जो वाटर फ्लो होगा उसका वॉल्यूम होगा 4000 मीटर क्यूब। सो आई होप दैट स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो डिस्कस किया अभी हमने क्लियर हो चुके हैं, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। नोटबुक में इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में
न्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।